Hello and a warm welcome to each and every one, friends, followers and fans. We are back on AIFF TV and welcome to this very special episode which we'll be having with a very special kid, because this kid is someone who's very, very special, people call him. We always have special people joining us on this show. Our guest today is a striker, as the under 19 striker of the national team. He's been touted as the next big thing of Indian football. Obviously, he has not played any national match as yet, but still, obviously, we understand that he's someone who will be making it big. Had his stint with the under 16 national team, has also played for the Indian Arrows. Someone who's very, very highly rated. And whenever we speak to his coaches, they always say good things about him. And that especially pertains to his attitude. So that's how we describe him. The man today who'd be joining up is Vikram Pratap Singh. Vikram Pratap Singh would be joining us very, very soon. We have sent him a request. But Vikram, there I spot him again. Vikram Pratap Singh joining us very, very soon, ladies and gentlemen. We obviously by that time need to thank you for all the feedback which you have been giving us. We value the feedback, and there he comes. Vikram. Hello, sir. Good evening. Kaise hai aap? Good evening. Aap kaise hai? Main to theek hoon. Ghar pe sab theek tha? Khairiyat? Haan ji, sab badhiya. Lovely. That's good. Very nice to see him, the ever smiling Vikram Pratap Singh, because Vikram thodi si hansi mazak aur muskurat karte rehte hai. On the field bahut hi deadly hai. To Vikram, bahut sare fans ki questions hai, fan ki favorite to aap hoi. To pehli question Nikhil se hai, kuch questions hai. To kehta hai ki Vikram ka Pratap ka ya raaz kya hai? Mere naam ka? प्रताप, विक्रम का प्रताप जो आप दिखाते हो, जो प्रताप आप दिखाते हो ग्राउंड पे, उसका राज क्या है, सीक्रेट क्या है? उसका राज ये है, विक्रम जो है वो मेरे पापा ने डिसाइड किया था, और जो प्रताप था वो मॉम की फैमिली से डिसाइड हुआ था. That's nice. तो आपका जो ये जलवा दिखने को मिलता है ग्राउंड पे, इसका सीक्रेट क्या है, लोग ये पूछ रहा है. सीक्रेट तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ग्राउंड में जब मैं खेलता हूँ मुझे सिर्फ एक चीज अच्छा लगता है, टू स्कोर गोल, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. तो मैं हमेशा जब भी ग्राउंड में जाता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही होता है, अगर मैं खेलूंगा तो मैं गोल जरूर करूंगा. तो ये एक मेंटेलिटी लेके मैं हर बार ग्राउंड में जाता हूँ. जी बिल्कुल, आप ऐसे ही जाते रहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स आपने किए हैं. मैं इंडियन यूथ टीम्स के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस में, और इंक्लूडिंग दैट फेमस गोल अगेंस्ट इराक, जब इंडिया ने पहली बार इराक को कोई भी एज ग्रुप और कोई भी टीम इंडिया का इराक के अगेंस्ट दे रजिस्टर्ड विन. ऑब्वियसली आप और भी गोल करते रहे, सभी का दुआ यही है आपके ऊपर. दूसरी फैन क्वेश्चन विक्रम है कि मनीष ने लिखा है, हाँ, लोग कहते हैं कि आप नेक्स्ट सुनील छेत्री है, ये मनीष का कहना है, लोग कहते हैं आप नेक्स्ट सुनील छेत्री है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में विक्रम? इट्स माय ऑनर, बट सुनील छेत्री भाई तो एक ब्रांड है, वो तो उनके जैसे, तो मेरा सपना है मैं भी उनके जैसा बनूं, क्योंकि हम सबको पता है जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए किया है वो तो शायद आज तक किसी ने नहीं किया. तो मेरी एज के हर बच्चे का ये सपना है, हाँ मुझे उनके जैसा बनना है. और मैं जब भी वो खेलते हैं मैं उनको देखता हूँ, उनका एक सेम गोल होता है, मैं जब वो जब भी खेलते हैं ऐसा होता है वो गोल करेंगे ही करेंगे. तो मेरा भी एक सपना है मैं उनके जैसा बनूं. तो आपने क्या सीखा है सुनील से? उनसे बस उनका टीम जो सबको एक साथ लेके खिलाते हैं, वो गोल तो करते ही करते हैं, और उनका वो जो सबको बोल के खिलाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वेरी नाइस. आपने कभी लेते हैं ना, जो बताइए लीडरशिप के बारे में, कुछ बोल रहे थे सुनील के लीडरशिप के बारे में? उनकी लीडरशिप वैसे दिखती है ग्राउंड में, हाँ वो एक लीडर है, क्योंकि साथ खिलाना खेलना और दूसरों को भी बताना, हाँ से वो भी पूरा सही क्या करना है, तो एक डिफरेंट चीज है वो.
डिफरेंट। आपने कभी मिले हो सुनील छेत्री से? मिलने की मौका मिला है आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा, तो आप ऑब्वियस वेट कर रहे कब सुनील छेत्री से आप मिले। मैं ऑब्वियस सुनील आपके बहुत तारीफ किए हैं, मैं जब भी विक्रम का नाम सुने और यही कहते रहते हैं कि डू द हार्ड वर्क एंड मूव अहेड इन लाइफ। वही बात आपकी एक कोच सनमुगम वेंकटेश जी ने कहा है, कुछ एनेक्डोट्स भी दिए हैं मैं सनमुगम जी ने आपके लिए, वेंकटेश भाई ने। वेंकटेश कहते हैं कि कोच वेंकी कहता है कि विक्रम इज अ वेरी कमिटेड इन इज गेम एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही हैज अ प्रोफेशनल मैच्योरिटी बियॉन्ड हिज इयर्स, यानी कि आपका जो अभी मैच्योरिटी लेवल है आपकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो वेंकटेश भाई ने किया है, बोले इवन सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया और आई एम विजयन वेर नॉट एज मैच्योर एज विक्रम इज एट हिज एज। यही कहना चाहते कि सुनील, बाईचुंग और विजयन भी आपकी एज में इतना मैच्योर्ड प्लेयर नहीं थे, ये वेंकटेश भाई ने कह रहे हैं। क्योंकि वेंकटेश तीनों के साथ खेला है, कैप्टेंसी और इंडिया का कैप्टेंसी भी किए है। देन ही सेज इट ओनली शोज द नॉलेज विच इज प्लेयर अवेलेबल टू दी प्लेयर्स। बट अगेन कहता है कि मैं रिपीट करना चाहता हूं, इसके मतलब ये नहीं कि विक्रम जाके बहुत सभी को सरपास कर देगा। मैं यही कहता हूं, कहना चाहता हूं, ही लुक्स मच मोर मैच्योर्ड देन वॉट देवर एट हिज एज, और उसको हार्डवर्क करना है। कोचिंग में सबसे पहला मेरा नाम विक्रम का आता था, वेंकी भाई ने ये कहता है। आई होप टू सी हिम एट अ डिफरेंट लेवल इन इंडियन फुटबॉल। एक रिक्वेस्ट भी किया है, एक ही रिक्वेस्ट है विक्रम के लिए, वो रिक्वेस्ट किया है, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू विक्रम, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल, कीप अप द हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये वेंकटेश भाई ने बोला है। मैं तो ये जो मैच्योरिटी वेंकटेश भाई कह रहे हैं आपके बारे में, ये मैच्योरिटी क्या है, आपको क्या लगता है? ये मुझे लगता है जो हमें AFF ने इतने एक्सपोजर टूर दिए हैं, हम कितनी कितनी अच्छी कंट्रियों के साथ खेले हैं, तो उसका मुझे लगता है मेरे ऊपर बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि मैं जहां भी गया हर मैच खेले मैंने, तो उनको देखकर, और जब मैं छोटा था, जब मैं चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में था, तो मैं अमरजीत को देखता था क्योंकि उधर वो सब खेलते थे, तो अमरजीत मेरा थोड़ा सीनियर था। तो जब मैं उसको देखता था, वो एक ऐसा पूरा मिच्योर खेलता था शुरू से ही, उसको उसकी आदत थी, खुद भी खेलता था और सबको साथ में एक टीम जैसे लेके जाता था। तो मैं शुरू से सोचता था एक दिन मैं भी इसके जैसा खेलूंगा। तो जब वो वर्ल्ड कप टीम में गया, तो मुझे मौका मिला बाद में चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में खेलने का। तो मैं हमेशा सोचता था तो एक दिन मैं भी अमरजीत जैसा बनूंगा, तो अमरजीत जैसा करके दिखाऊंगा। तो शायद वहां से अमरजीत से मैंने ये सीखा सब कुछ। जी बिल्कुल। और जो आपने एक्सपोजर मैचेस का जिक्र किया, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ जाता है प्लेयर्स का, मीन्स सॉरी प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से बताइए। उससे हम जैसे पहले पहले मैच खेलेंगे तो थोड़ा प्रेशर होता था, तो प्रेशर में सब कुछ थोड़ा गलत भी होता है, थोड़ा इधर उधर होता है, क्योंकि मेंटेलिटी थोड़ी डाउन हो जाती है जब प्रेशर होगा। तो खेल खेल के कितने एक्सपोजर टूर मिले, AFF का मैं थैंक यू करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि इतने एक्सपोजर टूर मुझे नहीं लगता इस एज में कोई भी कंट्री किसी को देती होगी। और AFF ने हमको इतने एक्सपोजर टूर दिए, तो अलग अलग टीम से खेलकर थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, तो जो वो प्रेशर होता था वो स्लोली स्लोली कम होता गया। तो हर एक मैच में ऐसे लेके जाता था, कोई बात नहीं, बस मैच है, खेलना है, पूरा अपना 100% देना है बस। और उससे मुझे लगता है मुझे बहुत हेल्प हुआ। डेफिनेट दी एंटायर बैच वॉज वेरी वेरी लकी। आप लोग सिर्फ एशिया नहीं, यूरोप में भी खेले हैं, अफ्रीकन टीम्स के अगेंस्ट भी खेले थे, एंड दैट वॉज अ ड्रीम काइंड ऑफ अ बिल्ड अप फॉर द एसी अंडर 16, वेर विक्रम एंड ऑल दी बॉयज कोच्ड बाय विविआनो फर्नांडिस स्टेड सम 90 मिनट्स अवे फ्रॉम अ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन इन द फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वर्ल्ड कप वेर वी लॉस्ट टू कोरिया रिपब्लिक 1-0। आई बी कमिंग बैक टू दैट मैच लेटर ऑन विक्रम। ये जो एक्सपोजर है, आप बोल रहे हो आपको सभी को कॉन्फिडेंट बनाए थे, ये इंडियन एरोस जब आप लोग खेले थे वो स्टिंट में, इंडियन एरोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी करियर में? इंडियन एरोस का तो मेरी करियर में बहुत बड़ा रहा, क्योंकि इंडियन एरोस एक ऐसा प्लेस है जहां यंग प्लेयर को मिलता है।
ये वो यंग प्लेयर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और उधर जब उधर कोचिंग सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि उधर हम आई लीग की टीम के अगेंस्ट खेलते थे, वो भी फॉरनर के अगेंस्ट, और हम फुल इंडियन होते थे, तो एक प्रेशर होता था, हाँ हम फुल इंडियन, बट एक कॉन्फिडेंस भी होता था, वी आर ऑल यंग, हाँ इसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगा फॉरनर के से अगेंस्ट खेलने में। तो मुझे लगता है इंडियन एरोस में मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस यूथ लेवल पर और एक सीनियर लेवल पर कॉन्फिडेंस देने के लिए इंडियन एरोस मेरे लिए बहुत बहुत हेल्प किया उन्होंने, सीनियर लेवल पर मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए। एक बात बताइए विक्रम भाई, मैं ये है कि आप जब इंडियन एरोस खेलने आए थे, आप जो जिक्र की एक्सपोजर टूर का, सब एक एज ग्रुप था, अंडर 16 फिर हम अंडर 19 को खेले, तो ये एज ग्रुप और जब हीरो आई लीग आप खेलने गए, डिफरेंस क्या था, क्या डिफरेंस महसूस हुआ? एज ग्रुप और सीनियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एज ग्रुप में ऐसा होता है वी कैन टेक वन ऑन वन एनी टाइम एनी वन, बट सीनियर लेवल में फिजिकल बहुत ज्यादा है। अगर किसी को भी ऐसा लेके जाने में कोशिश करेंगे वो आगे से बहुत ज्यादा फिजिकल है, और हर बार थोड़ा सोचना पड़ता था हाँ अभी लेके जाऊं या ना जाऊं। तो मुझे लग रहा है जब मैं सीनियर लेवल में गया तो थोड़ा पासिंग के ऊपर वन टू ऐसे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, तो पहले साल तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुआ, क्योंकि मेरा फिजिकल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, तो मेरा मेंटेलिटी थोड़ा एज ग्रुप वाला था, मैं सोचता था मैं ले जाऊंगा बट ऐसा नहीं होता। तो स्लोली स्लोली थोड़ा पता लगने लगा, फिर कोचिस ने बहुत हेल्प किया बताया, तो उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ। वेंकी भाई इस बार थे तो आपकी मैच्योरिटी में उसने कितना अवदान किया दिया है? उन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ही ओपन थे, वो खुले बोलते थे ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, जो भी करना है पूरा कॉन्फिडेंस से करो, कभी भी मिस्टेक से डरना 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 नहीं है, क्योंकि अगर हम खेल रहे हैं तो मिस्टेक तो जरूर होंगी होंगी, उस मिस्टेक के बाद जो रिकवरी है मैं वो देखना चाहते थे वो। और मुझे लगता है इतना कुछ ही बोलने से, कोच का ये बोलने से प्लेयर के ऊपर बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। डेफिनेट द रिकवरी आफ्टर एनी वन कमिट्स अ मिस्टेक, दैट्स व्हाट वेंकटेश यूज्ड टू स्ट्रेस ऑन टू विक्रम एंड ऑल द अदर बैचमेंट्स ऑफ इंडियन एरोस। विक्रम भाई, वेंकटेश भाई का और एक एनेक्डोट भी दिया है मैच के बारे में, हीरो आई लीग के एक मैच के बारे में उसने हाँ बताया। जी विक्रम ने एक एग्जाम देने गया था हीरो आई लीग के बीच में एंड ज्वाइन द टीम फॉर द अवे गेम इन मणिपुर, इम्फाल में आए। आई डिड नॉट हाँ पुट हिम इन जी द फर्स्ट 11, हाउएवर फ्रॉम द बेंच ही वॉज मोटिवेटिंग एंड पुशिंग द बॉयज। एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कप्तान हूं और मैं बेंच पे बैठा हूं, हमें कोच ने बिठा दिया है, नहीं खिलाया मुझे, बिल्कुल ही नहीं आया। ही रेस्पेक्ट्स ऑल अदर प्लेयर्स, रेस्पेक्टेड द डिसीजन ऑफ द कोच, एंड व्हेन ही केम ऑन इन द सेकेंड हाफ ही वॉज आउटस्टैंडिंग, दैट शोज हिज कैरेक्टर। ये सनमुगम वेंकटेश जी ने, कोच साहब ने आपके बारे में ये बताया है। हाँ जी और एक एनेक्डोट आपकी और एक कोच ने बताया, बिबियानो सर, बिबियानो फर्नांडिस, इनफैक्ट बोथ वेंकी भाई और बिबियानो हैव बीन ऑन द शो विद अस ऑन एआईएफएफ टीवी, दैट वाज ह्यूजली ह्यूजली फॉलोड, टू ग्रेट कोचेस डूइंग वेरी गुड जॉब एट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लीडिंग द रेवोल्यूशन। तो बिबियानो ने यह बताया है पोस्ट एएफसी, व्हिच इज द एएफसी अंडर 16 फाइनल्स के बाद, वी हाँ जी डिसाइडेड, द टीम मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अवॉर्ड ए स्कॉलरशिप टू आर बॉयज, एंड द इनिशियल रिकमेंडेशन कि विक्रम को वो स्कॉलरशिप दे दिया जाए या रिकमेंडेशन था। हाँ हाउएवर जी विक्रम छुप छुप के रॉकी को जाके, रॉकी यानी कि जो मैनेजर है, मैं रॉकी को जाके नीरज का नाम रिकमेंड किया, बिकॉज विक्रम ने सोचा कि नीरज वॉज अ बेटर परफॉर्मर देन एनी वन एल्स इन दैट टूर्नामेंट, सेज अ लॉट अबाउट हिज टीम स्पिरिट। हाँ वो तो देखो मैं अकेला नहीं, वो पूरा इंडिया बोल बोल सकता है, क्योंकि नीरज ने जो उस टाइम हमारे लिए किया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था उसका, और इसके होते हुए मैं थोड़ा ले सकता हूँ फिर। नहीं दैट वो तो ठीक है, बट ये बहुत कम लोग विक्रम बोलते हैं, खास करके आपकी एज में। मीन्स सुन के बहुत अच्छा लगा और रेस्पेक्ट भी बहुत बड़ा मेरा तो बड़ा है। आई बिलीव ईच एंड एवरी फैंस जो ये मैचेस दिस शो को देख रहा है, दे विल बी रेस्पेक्टिंग यू अ लॉट मोर, क्योंकि आपने
खुद की अवार्ड जो मिलना था एट दैट एज यू गेव इट टू नीरज, तो नीरज का क्यों आपको लगा कि नीरज वाज स्पेशल इन दैट टूर्नामेंट? नीरज अगर देखो ईरान ईरान वाले मैच में अगर वो प्लंटी नहीं सेव करता तो शायद हम वहां तक नहीं पहुंचते, और कहीं ना कहीं मेरा बिलीव है क्योंकि वो गोलों में था, सबको एक कॉन्फिडेंस था हाँ हमारे पास नीरज है पीछे तो हमें ज्यादा डरने की जरूरत है, आगे हम फ्रीली इसलिए खेलते ना कोई बात नहीं पीछे नीरज है तो नहीं, एक बिल्कुल नहीं, बताइए बताइए। फिर उस एक वो जो कॉन्फिडेंस मिलता था मुझे लगता था शायद वो मेरे से ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है टीम के लिए, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगा वो उसके लिए ज्यादा ठीक है। Nevin Thomas Matthew asks a question. Mr. Nevin, we have that question. We obviously will be asking him in the rapid fire. So you need to be with us for some more time. बहुत सारे फैंस का कमेंट्स आ रहे हैं। ब्रिन रशीद प्लीज फॉलो माय अकाउंट। सूरज कहता है कि हाय एवरीवन सेज हाय टू यू। तो ये टीम स्पिरिट जो स्टैंडिंग अप फॉर द टीम जो जिक्र किए है बोथ कोचेस वेंकटेश भाई और बिबियानो सर ने, ये दोनों का आपने आप कहां से सीखे, ये क्यों आई मीन आपके अंदर इतनी कम एज में आ गया है, इसकी इस कहां से ये शुरू हुआ है थोड़ा बताएंगे? ये मुझे लगता है जब मैं आउट द फील्ड होता हूँ तो मेरी आदत है मैं सबके साथ मजाक करता हूँ, मैं सबके साथ फ्रेंडली फ्रेंडली रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी उधर से सबके साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो मैं ऐसा नहीं सिर्फ एक दो के साथ रहता हूँ मैं सबके साथ रहता हूँ आउट द फील्ड, तो मुझे सबका इमोशन पता होता है हाँ इसकी ये फीलिंग है इसको ये है, तो वो ही जब मैं ग्राउंड में देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ इसको मुझे कुछ ये बताना चाहिए तो ये और अच्छा कर सकता है, तो बस मुझे मतलब मैं सबको एक मुझे बहुत सारे पूरी टीम में मेरे सब बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इसके लिए ये अच्छा होगा तो मैं इसको ये बताऊंगा तो मुझे लगता है हमारी टीम के लिए भी अच्छा होगा, तो मुझे लगता है इसलिए शायद हो सकता है। बहुत अच्छा बताया आपने टोटल टीम गेम एंड टीम मैन विक्रम। इस बहुत सारे फैंस ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप फुटबॉल कब से खेलना शुरू किए थे, घर से आपको सपोर्ट मिलता था या पेरेंट्स कहते थे नहीं मत खेलने ज्यादा जाओ थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा करो, क्या था वो? बहुत लोग इनफैक्ट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। फुटबॉल मैंने 2010 में स्टार्ट किया था और कितना कितना उम्र था उस टाइम पे? उस टाइम मेरा शायद 7-8 साल होगा, 8 साल। अच्छा हाँ, और मेरे अंकल को बहुत ही ज्यादा पसंद था फुटबॉल, वो ही मुझे गांव से चंडीगढ़ लेके गए, फिर उन्होंने मुझे अपने पास रखा और 1 साल प्राइवेट ट्रेनिंग दिया क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा शौक था फुटबॉल का, फिर उन्होंने जब देखा चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी के ट्रायल है तो मुझे उन्होंने उधर डाला, और फिर बाद में उन्होंने स्टडीज का भी बहुत फोर्स किया क्योंकि जब हम हॉस्टल में जाते हैं तो स्टडीज थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं फिक्र था क्योंकि मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा था, तो वो सोचते थे अगर हाइट और फिजिकल नहीं हुआ तो स्टडी में भी जाएगा, तो मैं उधर फिर पहले हम प्रैक्टिस करते थे बाद में सब हॉस्टल जाते थे, तो मैं प्राइवेट ट्यूशन के लिए बाहर जाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, पहले मैं ग्राउंड में जाऊं फिर रात को फिर से ट्यूशन पे जाऊं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, बट जब से उनको थोड़ा लगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ आगे जाकर तो शायद उन्होंने भी थोड़ा मुझे छूट दी फुटबॉल में और इंकरेज किया मुझे, तो जब मैं पहली बार 2016 में नेशनल कैंप में गया तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था मेरी इस पूरी सक्सेस पीछे उनका राज है, अगर वो मुझे गांव से नहीं लेके जाते चंडीगढ़ तो शायद मैं नहीं खेलता फुटबॉल। डेफिनेट। और गांव कहाँ है आपका? मेरा गुरदासपुर में। अच्छा, गुरदासपुर में आपकी गांव है। बहुत और बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपका ये पूरी जर्नी कैसा रहा। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ फैन शैडो वॉकर, ही आस्क्स कि डू यू फील यू आर रेडी फॉर द नेशनल टीम? हाँ मुझे लगता है मैं खेल सकता हूँ अभी। अच्छा, आपको लगता है खेल सकते हैं, बट ऑब्वियस पीपल एवरीवन वुड बी वेटिंग फॉर देयर चांस एंड विक्रम इज आल्सो वेटिंग फॉर देयर चांस और वेटिंग फॉर हिज चांस एंड भगवान करे वो जल्दी उसको मिल जाए एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। देयर इज अनदर एनेक्डोट है मैं बिबियानो कोच से,
उसने बताएं उसने कब आपको पहली बार देख के स्पॉट किए, भोपाल में ट्रायल्स में आया था, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ विक्रम, हिज हंगर टू अचीव इन लाइफ, हिज हंगर टू अचीव इन लाइफ एंड डिजायर टू विन एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड हैज नॉट चेंज टिल नाउ। सब कुछ जीतना चाहते थे वो। एक बैड हैबिट था, बहुत एल्बो इस्तेमाल करता था अनकॉन्शियसली। ही केयर्स फॉर हिज टीममेट्स, गिव्स देम सिंसियर एडवाइस, रेडी टू हेल्प इफ नीडेड। लेकिन इसके बाद एक सीक्रेट बताया बिबियानो ने, बिबियानो फर्नांडिस ने आपके बारे में, उसने कहा है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशंस इन 2018, दिस इज प्रिपरेशंस फॉर द एएफसी अंडर 16 फाइनल्स, जब प्रिपरेशन चल रहा था 2018 में, ही मिस्ड अ पेनल्टी इन वन ऑफ आवर फ्रेंडली मैचेस इन कोलकाता, शायद टाटा फुटबॉल एकेडमी के साथ, उसने बिबियानो सर ने एग्जैक्ट याद नहीं कहां से था, एंड फ्रॉम दैट डे ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग पेनल्टीज वेरी ऑफन। ठीक है यहां तक, समटाइम्स आई रिमेंबर विथ अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड ट्राइंग टू हिट एग्जैक्टली इन टू द बॉक्स, ही एंडेड अप स्कोरिंग थ्री पेनल्टीज इंक्लूडिंग वन अगेंस्ट वियतनाम इन द चैंपियनशिप। तो ये कार्डबोर्ड बॉक्स का ये सीक्रेट क्या है बताइए थोड़ा, क्या किए थे आप? कार्डबोर्ड, मैं, मेरी आदत है जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं यूट्यूब पे ट्रेनिंग देखता रहता हूँ, तो मैंने जब प्लंटी मिस किया तो मैं देख रहा था मतलब प्लंटी परफेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उधर से मुझे आइडिया आया, हाँ मैं एक कार्डबोर्ड रखूंगा और जो भी बॉल होगा उसके अंदर ही मारूंगा। तो उससे थोड़ा पहले मैं मारता था स्लो स्लो, फिर बाद में स्लोली स्लोली मैं उस कार्डबोर्ड में वो शायद उससे मुझे ये आइडिया आया मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा, दैट्स नाइस। तो ये कितने दिन चला ये आपकी जो क्या बोले ये जो ये प्रैक्टिस कार्डबोर्ड वाली पेनल्टी प्रैक्टिस? ये मुझे लगता है मैं हर ट्रेनिंग सेशन के बाद करता था, क्योंकि वो बिबियानो सर वो बोल देते थे जाओ जिसने मतलब दो तीन प्लंटी मारनी है वो चले जाओ और फ्री किक वाले चले जाओ, तो मैं लगभग हर प्रैक्टिस सेशन के बाद करता था ये। अच्छा, और ये अभी भी करते हो ना, उस टाइम के बाद आपने इसको छोड़ दिया? नहीं अभी भी करता हूँ, बस अभी कार्डबोर्ड की जगह नहीं तो कोई मार्कर रख लेता हूँ, नहीं तो कोई और कोई चीज रख लेता हूँ। लवली, दैट्स सो नाइस टू हियर। इनफैक्ट आई रिमेम्बर एंड एवरीवन रिमेम्बर्स, इनफैक्ट आपने वियतनाम के खिलाफ यू स्कोर्ड दैट पेनल्टी डिगिंग इनटू द लेफ्ट ऑफ द गोलकीपर, दैट वाज वन ऑफ द पेनल्टीज जो इंडिया को 1-0 गोल दिया था, विन दिया था उस मैच पे। वो एएफसी चैंपियनशिप, लुकिंग बैक व्हाट डज इट मीन फॉर यू, आप कैसे लुक बैक करते हो वो एएफसी अंडर 16 फाइनल्स को? उसको वो मेरा एक ड्रीम था वर्ल्ड कप का, क्योंकि जब मैंने पहले सुना इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो मैं सोचता था मैं भी वर्ल्ड कप खेलूंगा किसी दिन, तो अमर जी ये सब लोग सिलेक्ट हुआ मेरी टीम से, तो फिर मेरे दिमाग में इन्होंने इन्होंने बताया 2002 का एएफसी क्वालिफाई होगा, तो कहीं ना कहीं उस दिन से मेरे दिमाग में गया हाँ मैं एक दिन मैं भी वर्ल्ड कप खेलूंगा इनके जैसा। तो इतने करीब तक पहुंच कर वापस आना मुझे सच में बहुत हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम हमारी पूरी टीम को पता था हम वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम स्पिरिट सब टीम वर्क हार्ड वर्क पूरी टीम का अनबिलीवेबल था। इनफैक्ट द एंटायर कंट्री आल्सो बिलीव्ड कि दिस टीम कुड बी क्वालिफाइंग टू द अंडर 17 नेक्स्ट एडिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। उस टूर्नामेंट क्वार्टर्स, इनफैक्ट आज ही के दिन पे कोरिया रिपब्लिक के साथ मैच हुआ था अक्टूबर 1, हाँ तो वो मैच यदि दोबारा खेला जाता है क्या होएगा, वो मैच का रिजल्ट चेंज होता रहेंगे? जरूर बिल्कुल चेंज होगा इस टाइम। आई ट्रस्ट कि बाद में ऑब्वियस इंडिया को आप लोग का बैचमेट्स को और आपके बैच को एक मौका मिलेगा, मे बी इन अ डिफरेंट एज ग्रुप विद द कोरियन टीम, एंड वी वेट फॉर दैट डे। इन फैक्ट यू ऑल्सो वन ए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन द बिल्ड अप टू द एएफसी अंडर 16 फाइनल्स, जब टीम्स बाहर खेल रहे थे हाई स्कोरर का हुए थे और कंसिस्टेंटली आपने रेगुलर स्कोर करते थे विच इंक्लूडिंग दैट मैच अगेंस्ट इराक। तो ये फिनिशिंग के ऊपर बिबियानो सर बहुत स्ट्रेस करते थे आपके ऊपर और पूरी टीम के साथ? हाँ मतलब फिनिशिंग वो हमेशा बोलते थे कभी भी फिनिशिंग में पावर पावर यूज मत करो, क्योंकि
अगर वो बोलते स्लो मारोगे तभी भी गोल मिलेगा, हार्ड मारोगे फिर भी एक गोल ही मिलेगा, तो हमेशा वो हमेशा जब भी फिनिशिंग करवाते थे वो बोलते थे हमेशा ऑन टारगेट रहना चाहिए बॉल, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला। तो शायद उन्होंने फिनिशिंग का प्रैक्टिस भी बहुत कराया तो इसलिए। अच्छा, विवियन सर ने फिनिशिंग के ऊपर बहुत ये किए। ये अंडर 16 आप बैचेस की तरफ आप देखेंगे तो आप लोगों को बैच के बाद द नेक्स्ट बैच आल्सो क्वालिफाइड डायरेक्टली टू द अंडर 16 फाइनल्स। ये तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के चक्कर में टूर्नामेंट नहीं हो पाया, ऑब्वियसली बाद में होएगा AFC ने बोले है। तो ये जो एक बैच के बाद दूसरा बैच उभर के आ रहे हैं, इसका मीन्स स्पेशलिटी क्या है? मीन्स कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि आप एक अंडर 16 खेलने के बाद दूसरी अंडर 16 आप नहीं खेल सकते, यू ग्रेजुएट टू द अंडर 18 और द अंडर 19। तो ये हाँ हाउ यार, इज दिस बीइंग पॉसिबल? अभी क्यों मैंने अंडर 16 टीम जो अभी है वो देखा है, वो मुझे लग रहा है हमारी टीम से भी ज्यादा अच्छे हैं इस टाइम। अगर उन वो ऐसे ही जाते रहे वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई जरूर होंगे, क्योंकि उनको उनके कई प्लेयर चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी से भी है, तो मैंने उनको देखा है, वो उनकी जो खेलते हैं उनका कंट्रोल सब कुछ बहुत अच्छा है। और ऐसा तो है नहीं अभी इंडिया कभी क्वालिफाई नहीं होगा, अब सब यूथ लेवल पे इतना काम हो रहा है तो अंडर 16 बार बार क्वालिफाई होगा, और मुझे पूरा यकीन है थोड़े ही टाइम में इंडिया वर्ल्ड कप भी जरूर खेलेगा। इंडिया वर्ल्ड कप जरूर खेलेगा, दैट्स बीइंग सेड बाय विक्रम प्रताप। बिबियानो एज ए कोच क्या स्पेशल है उसके अंदर? मीन्स अंदर क्या स्पेशल है? ही इज अ डिफरेंट पूरे, मतलब मैंने जब तक अभी तक जितने कोच देखे हैं थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो खुद भी एक प्लेयर रहे हैं, वो प्लेयर को एक प्लेयर की तरह देखते हैं, वो कैसे फील करता है ऑन द फील्ड आउट द फील्ड, क्योंकि सब कुछ ऑन द फील्ड नहीं होता, आउट द फील्ड इज बहुत मैटर करता है, तो वो आउट द फील्ड भी बहुत ध्यान देते थे हर एक प्लेयर पे, वो कैसे फील कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मतलब फैमिली प्रॉब्लम ऐसे। तो जब भी वो ग्राउंड में खेलता फिर प्लेयर खेलता वो एक फ्रेश माइंड से खेलता था, तो वो शायद एक बिबियानो सर की बहुत पॉजिटिव थिंग है, वो डेफिनेट एक कोई प्लेयर को मैसेज प्लेयर जैसा देखते हैं। या ऑब्वियस बिबियानो हैज बीन ए प्लेयर हिमसेल्फ। कोई मैसेज देना चाहेंगे बिबियानो सर को? थैंक यू मैसेज। या बिबियानो सर को सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि हम क्वालिफाई से इतना पास से वापस आए, बट अभी थैंक यू एंड गुड लक, क्योंकि मुझे अभी पूरा यकीन है वो इस टाइम वर्ल्ड कप जरूर क्वालिफाई होंगे। We also, everyone has high hopes on that team from that batch जो under 16 इस बार खेलने वाला है। In fact, they had qualified topping the group in Uzbekistan in a group which had Uzbekistan, and Uzbekistan at the AFC age group levels is obviously always always a super power. So that was a brilliant achievement from the under 16 boys. Vikram, और कुछ questions है? मैं एक और एक anecdote वेंकी भाई से, वेंकी कोच से है। थोड़ी आपकी सॉफ्टवेयर साइट के बारे में बताते हैं। वो बोले ऐसे तो बंदा बहुत हार्ड बंदा है, हाँ बहुत ही टैलेंटेड और वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, ऑल्सो वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, बट थोड़ी सी सॉफ्ट है। एक बार वी लॉस्ट टू पंजाब FC इन द हीरो आई लीग एंड ही वॉज क्राइंग एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। एज एग्रेसिव ही इज ऑन द फील्ड, इज इक्वली कमिटेड ऑफ द फील्ड and emotional about the game. So that's what Venki says. He also mentions he missed a penalty against East Bengal, QUB, Quest East Bengal at the time, Mumbai, in the first few minutes. Unke mind mein wo chalta raha tha. And I, during the water break, I called him, spoke to him, and told him ki penalty ke baare mein jyada soch mat Vikram, dimag se nikal do, play your game. He gave his 200% and even scored after that. That shows his character and his talent. ये वेंकटेश भाई ने बोला है। एक सवाल है कि आपने इंडियन एरोस के लिए कभी विंग पे भी खेले हो, कभी एज द स्ट्राइकर भी खेले हैं, तो टेल अस द स्टोरी। मीन्स इज इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट, और कैसे आप एडजस्ट करते हो, और क्या आपकी फेवरेट पोजीशन या कोच कहते हैं? नहीं, मुझे मुझे अच्छा लगता है जब मैं अलग अलग पोजीशन पे खेलता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मतलब इंटरनेशनल कैंप में मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो मैं एज अ डिफेंसिव मिडफील्ड सिलेक्ट हुआ था, तो बिबियानो सर ने मेरी पोजीशन चेंज करके अटैकिंग मिडफील्ड किया, तो तब मैं अटैकिंग खेला, तो थोड़े टाइम बाद मैं
राइट विंग खेलता था, कभी लेफ्ट विंग खेलता, क्योंकि वो मेरे से पूछते थे क्या तू राइट विंग खेल सकता है, मैं बोलता था हाँ, क्योंकि मुझे आगे कहीं भी खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है प्लेयर होना, प्लेयर को हर जगह खेलने खेलना आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी खेलने का मौका मिल सकता है आगे, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं पोजीशन चेंज करके खेलता हूँ। तो आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? आप स्ट्राइकर खेलना पसंद करेंगे, नंबर 10 खेलना पसंद करेंगे, विंग पे खेलना पसंद करेंगे? ये मैंने चॉइस मैं जस्ट पूछ रहा हूं आपको। राइट विंग अच्छा, राइट विंग, एज अ विंग से राइट कट विंग। करके, विंग से हाँ कट जी करके आप अंदर आना चाहते हैं। विक्रम भाई, कुछ देयर सम फैन क्वेश्चंस। मिस्टर बाबू कहते हैं, पूछ रहे हैं कि फ्यूचर गोल्स क्या है आपका, 5 साल, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? फर्स्ट तो मैं नेशनल टीम डेब्यू करना चाहता हूँ बहुत ही जल्दी। हाँ, और क्लब लेवल पे मैं हमेशा सोचता हूँ, हर बार कोई फॉरेनर या फिर सुनील छेत्री भाई ही क्यों टॉप स्कोरर में आते हैं, और मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को फॉरेनर के साथ कंपीट करके टॉप स्कोर निकलूं ISL में, ये ऑब्वियसली मेरा रोयस, ड्रीम है। बहुत अच्छा ड्रीम है, और आपकी ये, मे द ऑलमाइटी फुलफिल योर ड्रीम एंड ऑल योर विशेस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। दैट्स अ बिग बिग चैलेंज कमिंग अप फ्रॉम दिस यंग टैलेंटेड गाय, व्हिच स्पीक्स अबाउट द कॉन्फिडेंस लेवल दिस गाय हैज, एंड आई वुड रादर से द न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन फुटबॉल ऐसे ही कॉन्फिडेंट प्लेयर्स है। गॉड ब्लेस यू विक्रम ऑन दैट, व्हाई नॉट, थैंक एंटायर कंट्री लुक फॉरवर्ड टू दैट। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है विक्रम, इसकी रूल यही है कि आपको एक ही वर्ड में आंसर देना पड़ेगा। आपकी यू। आइडॉल कौन है? व्हाट डू यू से इन फुटबॉल, हु इज योर आइडॉल? इंस्पिरेशन कहाँ से या आपको मिलती है? मुझे मेरे अंकल कोई वैसा एक्सप्लेन करता है सब कुछ, तो मुझे अपने अच्छा, चाचा जी से वो इम्प्रेशन, वो मेरे सब कुछ मिलता है। आपकी, मैं आपकी अंकल को हम लोग का नमस्कार बोलिएगा, और उनकी नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम? उनका गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह जी, गुरचरण सिंह जी को हम लोग का प्रणाम, हम सभी के तरफ से जरूर, हम लोग का रिगार्ड्स, डू कन्वे आर रिगार्ड्स टू हिम। फेवरेट डिफेंडर आपका कौन है? मेरा ये सवाल इंडियन पूछा है, सॉरी, मिस्टर मानशेर ने ये सवाल पूछा है। बोथ इंडियन एंड फॉरेन, एनीवन यू कैन टेक, मीन्स दोनों ही बोल सकते हो आप। इंडियन तो संदेश जिंगन पाजी, उनको तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, वो चंडीगढ़ में होते थे, तो अभी मैं लॉकडाउन में भी उनके साथ ही प्रैक्टिस कर रहा था। उनका जो एक जज्बा है खेलने का, वो तो हाँ अलग लेवल है, और वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मिले हैं संदेश से कभी आपने? हाँ जी, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता रहा, अभी लॉकडाउन में भी उनके साथ ही कर रहा था। अच्छा, लॉकडाउन पे भी प्रैक्टिस कर रहे। संदेश भाई को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। हाँ जी ब्रिंग्स मी टू ए क्वेश्चन कि इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स चंडीगढ़ से उभर के आ रहे हैं, संदेश है, गुरप्रीत है, अमरजीत वहां से खेल के आया है, अनिरुद्ध थापा वहां से खेल के आया है, विक्रम प्रताप सिंह 9 पे है, तो ये व्हाट इज स्पेशल, व्हाट इज द सीक्रेट? जहां तक मुझे लगता है, मुझे तो चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी लगता है, क्योंकि मैं अगर देखा जाऊं, मैं हो गया, अमरजीत, जैक्सन, ये सब लोग, क्योंकि वहां यूथ लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, अंडर 10 से स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है वैसा अभी तक एकेडमी पूरे इंडिया में नहीं था अंडर 10 का, और वो जो यूथ लेवल से काम करते हैं वो बहुत हेल्प, अभी तक हमें बहुत हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, दैट्स द स्पेशलिटी व्हिच ही सेज, विक्रम मेंशंस, हु इज द टफेस्ट डिफेंडर यू हैव फेस्ड सो फार? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, जब बट इराक जब हम क्वालिफाई में खेल रहे थे, अच्छा, वो क्वालिफायर्स का बिल्ड ईरान ना इराक कह रहे हो आप? ईरान ईरान क्वालिफाई अच्छा, ईरान के नेपाल में। साथ, हाँ जी ओके, इन द क्वालिफायर्स इन नेपाल, इन काठमांडू, जब हम लोग खेले थे। ओके, दैट्स द हाँ टफेस्ट जी डिफेंडर यू हैव फेस सो फार। आप, शिल्पी पूछती है, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? पनीर।
Paneer is his favorite food, says Vikram. So that answers Shilpi's question. What is your favorite song? Ye pooch raha hai Mr. Vishal. सॉन्ग वैसे स्पेशली एक तो कोई भी एक तो नहीं है, क्योंकि मुझे पंजाबी गाने सब सब बहुत अच्छे लगते हैं। फेवरेट पंजाबी सिंगर? सिम्मा संधू मेरा ब्रदर। ओ अच्छा, वो आपकी ब्रदर है हाँ जी। समझो। आपका भी कोई बैंड? सॉरी, कोई म्यूजिक बैंड ज्वाइन करने का ब्रदर के साथ कभी कोई प्लान है फ्यूचर में? कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का? बजाते हो ऐसे कुछ? अभी नहीं, इंस्ट्रूमेंट बजाने का तो बिल्कुल नहीं है। तो गाना गाने का डायरेक्ट मुझे प्लान है आपका? मैं नहीं, मैं कभी कभी सोचता मैं सिर्फ वीडियो में आऊंगा। हाँ अच्छा, द म्यूजिक वीडियो द हीरो इज मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह, व्हाई नॉट। सॉरी आई मिस्ड इट, एब्सोल्युटली राइट। अब क्यों बिहाइंड द सीन्स पे रहेंगे, माय बैड, गुड लक ऑन दैट, क्यों नहीं। हुज द बेस्ट प्लेयर आपने जिसके साथ खेला है अभी तक? ओवरऑल द बेस्ट प्लेयर, हु वुड यू रेट एज द बेस्ट प्लेयर जिसके साथ आपने खेले हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर कमल। मुझे लगता है अनवर अली, अच्छा, दैट्स द बेस्ट प्लेयर यू हैव प्लेड सो वो फार। मैंने उसके जैसा टैलेंट अभी तक नहीं देखा, क्योंकि वो उसका खेलने का अंदाज ही अलग है। आई सी, मैं दैट्स जब द भी बेस्ट। उसको खेलते देखता हूँ, नहीं तो उसके अगेंस्ट खेलता हूँ, तो मुझे बहुत ही मजा आता है उसको देख के। उसको वो जैसे खेलता है, मुझे लगता है उसके जैसा डिफेंडर इंडिया में मैंने नहीं देखा अभी तक। I see. That's your favorite. You say, because us Messi or Ronaldo, take a pick. मेसी। अच्छा, लियोनेल मेसी इज विक्रम्स फेवरेट। मधुरा पूछी है कि द बेस्ट डेस्टिनेशन यू हैव बीन टू? आई टर्की। टर्की। इस्तांबुल को कहेंगे आप? हाँ जी। अच्छा, इस्तांबुल टर्की इज द बेस्ट डेस्टिनेशन ही हैज बीन टू। इम्तियाज पूछते हैं, द फर्स्ट थिंग आप करते हो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? ब्रश। उसके ऑब्वियसली एवरीवन ब्रशेस। उसके बाद व्हाट्स द फर्स्ट, व्हाट्स द उसके बाद आप क्या करते हो, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू डू? पहले तो मैं सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा टाइम प्रेयर करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं उठ रहा हूँ। अच्छा, डेफिनेट। सो ही प्रे ही सेंड्स हिज प्रेयर टू द ऑलमाइटी, दैट्स व्हाट इट इज। मिस्टर नेविन थॉमस, योर क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड बाय विक्रम, हिज अंकल इज हिज इंस्पिरेशन, दैट्स ऑलरेडी आंसर्ड। मिस्टर नेविन थॉमस, ही हैज बीन पिंगिंग मींस रेगुलरली, मींस पुटिंग अप ए मैसेज आउट देयर टू आस्क माय क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर, आपकी करंट वॉलपेपर ऑन योर फोन क्या है? मेरी सिस्टर का, छोटी सिस्टर हनी बनी, ट्विंस है वो। अच्छा, आपका ट्वींस है, मैं गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम। विक्रम, और एक क्वेश्चन भी आया है, फिट फैन क्वेश्चन। फिटनेस के लिए क्या कर रहे हो एट द प्रेजेंट मोमेंट? अभी अभी तो चलो, अभी तो फिर भी ग्राउंड ओपन हो गया है, तो अभी तो मैं ग्राउंड में जाता हूँ, अपना फिटनेस जो जो भी शेड्यूल है वो बना के वो करता हूँ। नहीं तो पहले थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में मैंने घर में थोड़ा सामान रखा था जिम वाला, तो वो ही कर रहा था। अच्छा, दैट वाज व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। एवरीवन ट्राई टू स्टे इन कंडीशन, एंड एज एंड व्हेन इट ओपनड अप, ऑब्वियसली लोग मैदान पे जाके प्रैक्टिस करना शुरू किए। मिस्टर आयुष ने कभी क्वेश्चन भेजा है, हार्डेस्ट और द मोस्ट टफेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ सो फार? आई थिंक AFC क्वार्टर फाइनल आफ्टर लूजिंग दैट AFC मोमेंट। क्वार्टर फाइनल, AFC क्वार्टर फाइनल, दैट वाज अ वेरी वेरी हार्ट ब्रेक फॉर ईच एंड एवरीवन। बट या, व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड, एंड देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस, और लोगों को चांस मिलता रहेंगे, एंड लाइफ डज नॉट एंड देयर। वेल, थैंक यू सो मच विक्रम फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज लवली लवली चैटिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे द ऑलमाइटी फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, स्कोर एज मेनी गोल्स एज यू कैन, एंड ऑब्वियसली बी द हाईएस्ट स्कोरर इन द हीरो इंडियन सुपर लीग।
थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आपकी ट्विन सिस्टर्स का एज क्या है? एक समवन पिंट की एज उनका पूछिए प्लीज। वो अभी 4 साल की है। अच्छा, ट्विन सिस्टर्स आर 4। दैट आंसर्स द क्वेश्चन समवन आस्क्ड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फॉलोअर्स एंड फैंस, एंड ऑब्वियसली बिग थैंक यू टू विक्रम। यू बी बैक नेक्स्ट वीक। द एक्शन ऑल्सो रिज्यूम्स स्पोर्टिंग एक्शन इन इंडिया, एंड इट्स रिज्यूमिंग विद Indian football, which is a huge, huge pride. We take huge pride, and I understand fans, all of you also take huge pride in that, because the Hero I-League qualifiers slated to kick off from 8th of October in Kolkata. That's the first ever sporting action in the country post the COVID pandemic situation. So Indian football leading from the front, Indian football forward together. Thank you for all your support, Vikram. Thank you once again. Thank you. And we'll be back very soon. Until then, back the blue. Thank you. Bye-bye.